पूर्णिया नगर निगम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। आप कह सकते हैं कि 3, 5 और 4 के जो वार्ड हैं, वहां पे जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं दूसरे स्क्रीन पर, उस तस्वीर में साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो वहां पानी है वो घरों में घुस गया है। सड़कों पे आप कह सकते हैं कि कमर से ज्यादा पानी है, लोगों को यातायात में परेशानी हो रहा है। नगर निगम का दावा, पिछले 5 वर्षों में 2 मेयर के रहते हुए भी काम ना के बराबर हुआ है, सिर्फ जुबानी जंग चला है, जनता त्राहिमाम कर रही है, शहर के मुख्य चौक चौराहों पर पानी जमा हुआ है। सर, अरे सर, कम से कम आप इस काम किए होते तो जनता आज त्राहिमाम नहीं करती, और इस बरसात में आप कह सकते हैं कि जो लोग हैं उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। लाख दावे कर रहे हैं आप, लाख विकास की गाथाएं गढ़ दें, लेकिन जो काम धरातल पे वो कुछ नहीं हुआ है। पिछले दिनों मैंने मधुबनी से मातास्थान चौक के भी आपको खबरें दिखाया था, मदली चौक की भी स्थिति आपको पता ही होगा, नवतन हाता की स्थिति पता होगा, आप अगर कह लें बाबारीहाट वहां की स्थिति पता होगा। जितने भी मुख्य सड़कें हैं सभी जगह जल जमाव है, जितने भी वार्ड हैं मुख्य रूप से जो भी शहर से जुड़े हुए वार्ड हैं वहां पे जल जमाव है, लोगों को यातायात में परेशानी हो रही है। स्कूल जाने वाले बच्चे, कोचिंग जाने वाले बच्चे, जो लगातार महिलाएं जा रही हैं उस सड़क से, उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारे यहां के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके कान पे जू नहीं रेंगता है, सिर्फ दावे और किताबी कागजी दावे घोड़े चलाए जाते हैं कि विकास हुआ विकास हुआ, लेकिन जो सड़क जमीन पे जो विकास होना चाहिए था वो कुछ नहीं हुआ, और तस्वीरें इसी तरह के निकल के सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। और आप कह सकते हैं, हम बता सकते हैं कि ये हर बरसात की तस्वीरें हैं, हर बरसात में इसी तरह का हाल होता है, लेकिन हमारा नगर निगम, अभी तो निवर्तमान हो चुके हैं हमारे मेयर डिप्टी मेयर सारे लोग, लेकिन जो ये हाल है हर प्रत्येक वर्ष की हाल है, और सांसद विधायक चाहे आप कह सकते जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सिर्फ दावे करते हैं, वोट के समय में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें होंगी, लेकिन जो जनता का विकास का कार्य होता है वो कुछ नहीं होता है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे आम लोगों के द्वारा वायरल की गई है। समाजसेवी सोनी सिंह ने भी पत्र के माध्यम से नगर आयुक्त को कहा था कि ड्रेनेज की व्यवस्था ठीक करवाइए। ये पूर्णिया का ऐसा हाल हो चुका है कि जहां मन तहां कचरा फेंक दिया जाता है, जहां मन कचरा को डंपिंग कर दिया जाता है, और लोगों को त्राहिमाम करने के छोड़ दिया जाता है। जनता बेहाल है, नगर निगम के लोगवासी बेहाल है। आप कप्तान पुल से भी निकलिएगा तो वहां कचरा की देख के आप सही से बिना नाक पे रुमाल रखे हुए नहीं जा सकते हैं। और आज बरसात के बाद नगर निगम का आप कह सकते हैं कि नाव चलाने वाली स्थिति हो गई। नाव समझते ही होंगे, नाव कब चलता है, जब बाढ़ का पानी आ जाता है तब नाव चलता है, वही हालात अब नगर निगम के अंदर। पूर्णिया नगर निगम की हालत इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं। शहर के डॉलर हाउस चौक से दुर्गा मंदिर होते हुए डीएवी जाने वाली सड़क की हालत इतनी जर्जर है कि आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लोगों ने बताया कि हम लोग कितनी बार यहाँ जनप्रतिनिधियों को शिकायत किए हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने काफी बार यहाँ जनप्रतिनिधियों को शिकायत की है, फिर भी कोई निदान नहीं हो पाया। एक दिन की बरसात में निवर्तमान मेयर, सांसद और विधायक के द्वारा किए गए विकास की पोल खुल गई है। जनता त्राहिमाम कर रही है, पूछ रही है जनता, क्या हमारे नेताजी ने यही विकास किया है? प्रफुल्ल झा, सावन सिंह, पवन कुमार की रिपोर्ट। बहुत दिन हो गया जाते आते दिक्कत होता है, परिवार के साथ में जाते कभी भी गिर के कुछ हो सकता है, घटना हो सकता है, बीच में बहुत ज़्यादा आधा आधा गाड़ी डूब जाता है, इतना ज़्यादा यहाँ से लेके डॉलर हाउस वहाँ दुर्गा मंदिर तक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति है। कहाँ घर आपका? मेरा घर तो ऐसे भवानीपुर पड़ता है, यहाँ हम लॉज लेके रहते हैं। कितने दिनों से रोड का ये हाल है? बहुत दिन से है, काफी पिछले साल भी बहुत दुर्गति था। बताइए, नगर निगम से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है, ध्यान नहीं है, क्या कहना चाहेंगे इस रोड के लिए, रोड की जो स्थिति है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? रोड का जो स्थिति है तो यही कहना चाहेंगे कि इस रोड पे ध्यान दिया जाए, काफ़ी दिक्कत होता है हम लोग को चलने में, इस पे ध्यान दिया जाएगा तो तुरंत हो जाएगा संभव। परेशानियाँ तो बहुत होती है, और आज भी यहाँ का जो स्थानीय निवासी है वो भी बहुत काफ़ी प्रयास कर रहे हैं इस समस्या को सुलझाने के लिए, बट प्रशासन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है, और ना ही जो यहाँ का विधायक है, जो भी है यहाँ का वार्ड मेंबर है, कोई इस तरह ध्यान नहीं दे रहा। कितने दिनों से पानी जमा हुआ है यहाँ पर? ये पानी 2 साल से है, आपका हर एक बारिश में स्थिति रहता है इसका। तो यहाँ इतना आवागमन होता है, ये तो बहुत मुख्य रास्ता है, कई समस्या से क्या करें, क्या कहना चाहेंगे रोड की स्थिति के लिए? स्थिति तो दयनीय है, उम्मीद करते हैं कि इस बरसात में ठीक हो जाएगा, यही है। यहाँ हर साल बरसात के मौसम में
जल जमाव हो जाता है, स्कूल हॉस्पिटल जाना मुश्किल हो जाता है। सांसद विधायक कोई नहीं ध्यान देते हैं। जब तक ड्रेनेज सिस्टम बहाल नहीं किया जाएगा तब तक कोई निदान नहीं है। अभी तत्काल जल्द से जल्द जिला प्रशासन से जल निकासी की मांग करते हैं। बहुत ज्यादा परेशानी, एक तो पानी भी जमा रहता है और मैंने कि गंदा पानी है ना, पूरा परेशानी, पूरा एकदम, और दिन तो घुटना तक ही रहता है पानी। कितने दिनों से यहाँ पे पानी लगा हुआ है? बहुत ज्यादा से, जब हम तो साल भर से देख रहे हैं यही स्थिति है। आप लोग का जो आना जाना होता है तो इस रास्ते से होकर पानी में कैसे, पानी के अंदर जाना होता होगा? पानी के अंदर देखिए ना, अभी भी तो पूरा डूब के आए हैं पानी से, पूरा गंदा, पूरा पैर भी पूरा खराब हो जाता है पानी में। क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे बनाए, बनाने के लिए करेंगे अनुग्रह। कहाँ पे घर है आपका? मेरा तो यही माता चक। क्या नाम आपका? सरिता कुमारी। हम लोग का धंधा पर बहुत असर पड़ गया है, ग्राहक नहीं आता है और प्लस एक आदमी नहीं चलता है और जो भी आता जाता है वो सब रास्ता में गिरता है, बहुत ज्यादा गिरता है। गाड़ी दिन से पानी लगा हुआ है, पानी मोटा मोटी 6 महीना से पानी। क्या करना चाहेंगे इसका? हम लोग चाहते हैं कम से कम इसमें अगर व्हाइट राबिस भी गिर जाए, अगर ये रोड सही हो जाए तो आने जाने से बहुत सुविधा मिलेगा। इस रास्ते होके तो बहुत सारे अधिकारी भी जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत बहुत बार लिख के दिए है, कोई नहीं सुनता। कहाँ कंप्लेन दिए है? यहाँ नगर निगम में दिए है और प्रताप सिंह के यहाँ भी गया और नगर आयोग दिया गया है, सब दिया, समाज का लिख के दिया, लेकिन कोई सुनता नहीं है। बोलता है आज गिरेगा कल गिरेगा, कुछ नहीं गिरता। आपका कहाँ पे दुकान है? मेरा डॉलर हाउस चौक में मटन दुकान है, रॉयल मीट शॉप।